हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मुबारक हुसैन और आप सबका स्वागत है सेल्फ रीडिंग चैनल में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन किया कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ स्पेसीज या नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये सारा चीज फाइंड करना होता है। और एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, उसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इन सब से रिलेट करना पड़ता है। तो इन चीजों को रिलेट करने के लिए पहले हम उसको पढ़ेंगे कि एटम्स होता क्या है, मॉलिक्यूल्स होता क्या है, या एक एटम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन सारे रिलेशंस को पढ़ने के बाद हम लोग मोल कंसेप्ट मेन फॉर्म में आएंगे, क्योंकि मोल कंसेप्ट को तीन फॉर्म में पढ़ना है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो इन सबको इसमें रिलेट्स करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को। तो आइए पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एटम के संबंध में कहा 1808 में कि एटम जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए एक कोयला ले लीजिए और कोयले के ऊपर जो है आप हथौड़े से चोट दीजिए, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। फिर उस छोटे टुकड़े के ऊपर फिर से आप हथौड़े से फोर्स लगाइए, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। टूटते टूटते एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि अब उसके ऊपर हथौड़े से चोट लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, लेकिन अब वो दूसरे पार्टिकल में, दो भाग में डिवाइड होने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो उस एक पार्टिकल को हम लोग एटम कहेंगे, ऐसा जॉन डाल्टन ने कहा 1808 में। और उन्होंने कहा कि एटम में जो ए होता है, ए रिप्रेजेंट करता है नॉट को, और टर्म जो होता है वो कटेबल और फ्रिकेबल को, मतलब पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको ना काटा जा सके ना तोड़ा जा सके। तो हम डिफिनेशन में, परिभाषा में ऐसे लिखेंगे कि एटम इज द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस विच कांट बी कटेबल और फ्रिकेबल, मतलब पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है जिसे काटा या तोड़ा नहीं जा सकता है, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। उसके बाद एटम को आगे चल के तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन्स, फिर प्रोटॉन्स और फिर न्यूट्रॉन्स, तीन भागों में इसको तोड़ दिया गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को भी तोड़ा गया है। तो इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ने के बाद जो पार्टिकल मिला उसका प्रॉपर्टी, और प्रोटॉन्स को तोड़ने के बाद जो पार्टिकल मिला उसका प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी सेम था, इसीलिए उस पार्टिकल्स को क्वार्क्स कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को डिवाइड करने के बाद जो पार्टिकल मिला उसको हम लोग क्वार्क्स कहते हैं। अब क्वार्क से भी छोटे पार्टिकल की डिस्कवरी करी गई है 2012 में। 2012 में क्वार्क से भी छोटे पार्टिकल की डिस्कवरी करी गई है, जिसका नाम रखा गया हिग्स बोसोन। हिग्स जो थे वो अमेरिका के साइंटिस्ट थे और बोसोन जो थे अपने इंडिया के साइंटिस्ट थे। तो हिग्स बोसोन, तो इसको गॉड पार्टिकल बोला गया। गॉड पार्टिकल इसलिए बोला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर हुए बहुत टाइम्स का इंटरवल नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी वो सब डिस्कवर करी गई। जैसे 1886 में इसको, 1911 में इसको, और 1932 में इसको, और उसके बाद डायरेक्ट 2012 में इसकी जो है डिस्कवरी हुई। इसलिए बहुत टाइम के बाद चूंकि ये पार्टिकल मिला, इसलिए ऐसा लगा जैसे भगवान मिल गए। तो इस व्यू से इसको गॉड पार्टिकल बोला गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की किस तरह से डिस्कवरी करी गई, कब की गई, और उन सब का प्रॉपर्टी क्या है, उनका मास क्या है, उनके ऊपर चार्ज क्या है, उनका रिलेटिव मास क्या है, ये सारा प्रॉपर्टी उनका हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी, अगर डिस्कवरी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन ने किया, और
न्यूट्रॉन्स का जेम्स चैडविक ने किया। इसका डिस्कवरी हुआ 1886 में, इसका 1911 में और इसका 1932 में। अब मास देखेंगे तो मास दो तरह का होता है, एक होता है रिलेटिव मास और एक होता है एब्सोल्यूट मास। तो रिलेटिव मास का मतलब होता है, जैसे आप एग्जांपल के लिए ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका जो मास है, मेरा जो मास है, वो मेरा एक्चुअल मास जो होगा वो मेरा एब्सोल्यूट मास है। और मान लीजिए कि मेरा मास है 50 kg, तो 50 kg जो मास है ये मेरा एब्सोल्यूट मास है और मेरे भाई का मास 25 kg है। अब रिलेटिव मास देखना है तो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे मेरे भाई का अगर 25 kg है और मेरा 50 kg है तो मेरा रिलेटिव मास 2 गुना उससे ज्यादा है, 2 times है, और उसका जो रिलेटिव मास है वो 1/2 है। तो रिलेटिव मास का मतलब होता है किसी दूसरे के अदर के रिस्पेक्ट में जो मास देखते हैं उसको रिलेटिव मास देखते हैं, और एब्सोल्यूट मास का मतलब होता है अपना जो एक्चुअल मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलेटिव मास होता है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में उसका मास कितना है। तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में 1/1840 होता है, और प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास मतलब प्रोटॉन का मास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और न्यूट्रॉन्स का मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है एक्चुअल में, तो इसलिए वो जो है 1 हो जाएगा रिलेटिव मास, क्योंकि प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखते हैं और दोनों का अप्रोक्सली इक्वल होता है एब्सोल्यूट मास। उसके बाद अगर एब्सोल्यूट मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अपना एक्चुअल मास है जिसको एब्सोल्यूट मास हम लोग बोल रहे हैं वो होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। उसके बाद प्रोटॉन्स का होता है 1.672 × 10⁻²⁷ kg। उसके बाद न्यूट्रॉन्स का होता है 1.676 × 10⁻²⁷ kg। और अगर हम इसको ग्राम में देखेंगे तो पावर जो है वो 3 कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9.1 × 10⁻²⁸ kg वेट ग्राम, और यहाँ पे 1.672 × 10⁻²⁴ g, इस तरह से ग्राम में भी देख सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव चार्ज, तो रिलेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में कितना है। तो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में उसका चार्ज होता है -1, इसका अपने ही रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, और इसका 0, न्यूट्रॉन्स है तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए निगेटिव चार्ज होता है, और इसको जो है क्योंकि जब उसकी डिस्कवरी करी जा रही थी तो जो इलेक्ट्रॉन्स था वो पॉजिटिव प्लेट्स की ओर जा रहा था, पॉजिटिव प्लेट्स की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए उस पे जैसे थॉमसन ने कहा कि इसमें निगेटिव चार्ज है, और उसको मूलिकन ने फाइंड करके बताया कि इसका एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है -1.6 × 10⁻²⁷ कूलम्ब होता है, सी का मतलब कूलम्ब, और प्रोटॉन पे जो है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, इसलिए कि ये जो है निगेटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए इस पे ई गोल्डस्टीन ने कहा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद न्यूट्रॉन्स का, अगर न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है तो उसका निगेटिव उस पे एब्सोल्यूट या रिलेटिव दोनों चार्जेस 0 होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उस पे किसी भी प्लेट्स का कोई इफेक्ट नहीं है, निगेटिव या पॉजिटिव का, वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का कितना होता है, ये सारा चीज हम लोग याद रखेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग वीडियो देखेंगे किस तरह से उन सारी चीजों को रिलेट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे।